असला माय यूट्यूब फैमिली सब कैसे उम्मीद देखकर सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे आज की वीडियो है बिरयानी बनाना बोनलेस बना लो हड्डी वाली बना लो बहुत ही आसान मेरी अम्मी की रेसिपी अगेन एज यूजुअल ठीक है जी सब कुछ मिक्स करना है हलाना है भूनना है और मसाला तैयार और लेयर्स लगा के बिरयानी रेडी चले जाए अब बाकी वीडियो देखते हैं बिस्मान रहीम जी रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम चावलों का हिसाब देख लेते हैं जब घर के में पानी वाले ग्लास होते हैं सबके घर इस तरह का मौजूद होगा ये तीन हमने इस तरह भर भर के लेने दो मैंने इसके अंदर डाल दिए ये आपको दिखाने के लिए मैंने भरा हुआ है ठीक है जी अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे तीन गिलास चावल हो गए उसके हिसाब से मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ तीन प्याज लेने मीडियम साइज के चार टमाटर लेने मीडियम छोटे ना हो मीडियम टमाटर हो और एक पूरा लहसन लेना सबसे पहले हम प्याज को और टमाटर को काटते हैं और फिर अगला स्टेप मैं आपको बताती हूँ हाँ जी यहाँ पे अब हमने टमाटर भी अपने काट लिए लंबे लंबे बारीक बारीक प्याज भी काट लिए और लहसन को हमने कुछ भी नहीं करना ठीक है जी अब हमने क्या करना है कि ये सब चीज़ें हमने इस कढ़ाई के अंदर डाल देनी है ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डालती हूँ अब हम लोगों ने सारी चीज़ें कढ़ाई के अंदर डाल दी हैं अब हम लोगों ने इसके अंदर नमक डालना है नमक हमने उतना डालना है जितना चिकन को ज़रूरत होगी ठीक है जी मेरे पास एक बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था और कोई चिकन घर में अवेलेबल नहीं था आप लोग हड्डी वाला भी ले सकते हैं बोनलेस भी ले सकते हैं जितना मर्ज़ी चिकन ऐड कर लें ठीक है जी मैं अकॉर्डिंग टू चिकन इसके अंदर सिर्फ नमक ऐड कर दूंगी थोड़ा सा और।, और चिकन को भी हम साइड पे कर देते हैं इसके अंदर दो ग्लास पानी की ऐड करते हैं हाँ जी ये रहा पहला ग्लास उसके बाद ये रहा दूसरा ग्लास अब इसके नीचे चूल्हा ऑन करते हैं हाँ जी इसके नीचे अब हमने आग जला दी है आग हमने बिल्कुल हल्की रखनी है इसको हमने एक दफा मिक्स कर लिया है ताकि नमक हर चीज के ऊपर लग जाए अब जी हम इसका ढक्कन लगाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए ताकि हमारा जो ये सारे टमाटर और प्याज और लहसन है ना ये सॉफ़्ट हो जाएगा उसके, उसके बाद जी ये ब्लेंड होने के लिए तैयार है अब जी मैं 20 से 25 मिनट के बाद हाजिर होती हूँ तब तक ये नरम हो जाएगा ये ईमान की चीज़ें उठाऊँ ईमान को अपने के हटी थी ईमान पढ़ाई लिखाई कर रही थी बहुत ज़्यादा ये जी ईमान की पढ़ाई लिखाई बंद कर देते हैं ठीक है अब जी मैं हाजिर होती हूँ 20 से 25 मिनट के बाद हाँ जी अब मिनट गुजर गए हैं दम उठाने का टाइम हो गया है वन टू थ्री दम उठ गया है ये ठीक है सब कुछ गल छल गया अच्छी तरह अब हमने जूसर ब्लेंडर में डाल के इसकी पेस्ट बना लेनी है शेकर के अंदर या अगर आप लोग हैंड ब्लेंडर है तो उसके साथ कर लें इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और जी अब मैं इसका वो बनाऊँगी आधा गिलास पानी डालूंगी शेकर के अंदर और इसकी अच्छी तरह पेस्ट बना लूँगी चूल्हा हम यहाँ पर कर देंगे बंद ठीक है जी अभी सारा मिक्सचर जाएगा ब्लेंडर के अंदर और इसकी पेस्ट बन गई है आधा ग्लास पानी डाला ताकि ज़्यादा जम ना जाए मतलब गाढ़ी ना हो जाए ये अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर शेकर के अंदर डालूंगी और जो इसके साथ लगा हुआ है ये भी इसके अंदर शिफ्ट कर लूँगी अब चलते हैं मसालों की क्वान्टिट्टी की तरफ सबसे पहले जी मैं आपको बता दूंगी वन टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है ये स्पाइसी हो जाती है जो लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते नॉर्मल स्पाइसी खाते हैं उन्होंने हाफ टी स्पून लेना है ठीक है जी बाकी उन्होंने सारे मसाले इस तरह करने हैं वरना सूसू करेंगे एक टीस्पून अगर डाल देंगे चलें जी अब बाकी साले एक हमने कप चाय ऑयल आठ चम्मच दही वन टीस्पून हल्दी वन टीस्पून सूखा धनिया वन हाफ टी स्पून हमने मिर्च लेनी है दो इंच अदरक और दो हरी मिर्चें एक पैकेट शान मसाला तीन चम्मच छोड़ के अच्छा जी अब नीचे हमने आग ऑन कर ली है इस मिक्सचर के जो हमने ब्लेंड किया था ठीक है जी सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे ऑयल डालने के बाद एक मिनट तक हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे मिक्स मिक्स अच्छी तरह ताकि थोड़ा सा पानी कम हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर चिकन डालेंगे ठीक है जी ये हम जी मिक्स कर रहे हैं बिरयानी की रेसिपी क्या है सारा कुछ पाओ हिलाओ पुनो द बिरयानी रेडी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है सब बहुत अच्छी अच्छी बिरयानी भी बनाते हैं लेकिन ये बहुत सिंपल रेसिपी है सब कुछ डाल दो भुनाई कर लो और बिरयानी रेडी हो जाती है ठीक है जी आग दरमियानी है अब जी इस पॉइंट पर जब ज़्यादा बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे तो ये मसाला उड़ उड़ के बाहर आएगा तो इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है मसाले ऐड कर देना है मसाले वाला पॉइंट पता नहीं क्यों रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ था ये जी हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च वन टी स्पून धनिया और हाफ टी हा, वन टी स्पून हल्दी ठीक है जी ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिया साइडें उतार देंगे वरना में डांटेंगी है गंदी वैसे भी साइड ना साफ़ करें तो वो ना जल जाती हैं तो साइडें साफ़ कर लेते हैं हम अब इसको हम पंद्रह मिनट दम देंगे और जी पंद्रह मिनट के बाद ये देखिए जी पन दम खत्म हो गया है हमने उठाया है पंद्रह मिनट दम दिया था और हमारा दम हमारा दम नहीं चिकन का दम और क्या कहते हैं जो हड्डी वाला चिकन होता तो है उसको पच्चीस मिनट लग जाते गलने में बोनलैस को पंद्रह मिनट ही बहुत होता है बहुत होता है बोनलेस को हवा लगे गल जाते हैं ठीक है जी अब हम किनारे साफ़ करेंगे उसके बाद अच्छी तरह इसको हिलाएंगे अब इधर चूल्हा हम कर देंगे दरियाना क्योंकि दम दिया हुआ था चिकन गलाने के लिए चूल्हा हमारा आहिस्ता था अब हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे चूल्हा मसाला को भूनने के लिए मसाला भूनते हैं भुन नहीं जाएगा भूनी जाएगा अब आधा घंटा यही प्रोसेस चलता रहेगा चीज़ें डाली जाओ भूनी जाओ अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एट से नाइन टेबल स्पून दही के ठीक है जी थोड़ा सा बीट कर लीजिए दही को बिल्कुल क्रीम फॉर्म में कर दे नहीं भी करना तो भी चलेगा कन तो फाड़ लो थलेन फाड़ लो कन ही फड़ना ना मतलब कुकिंग करनी है जिस तरह मर्ज़ी कर लो ठीक है जी अगर आप लोग के पास इससे भी अच्छी रेसिपी है तो आप लास्ट मुझे कमेंट में लिखिएगा मैं लास्ट में वो ट्राई करूँगी ठीक है जी ये सारा हमारा दही गया सारा दही दही चला गया अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें डालते रहना है एक चीज़ डाली इसको अच्छी तरह मिक्स किया फिर दूसरी चीज़ डाली अच्छी तरह मिक्स किया इस तरह करते हैं कराते है आधे घंटे का ये चलता है सीन और मसाला रेडी हो जाता है ठीक है जी अच्छी तरह हम लोगों ने इसको मिक्स कर दिया इसके अंदर अब बारी आती है शान बिरयानी मसाले की आप लोग कोई भी बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं ठीक है बिरयानी मसाले का आप इस तरह रखना है कि तीन गिलास चावल है ना तो आज जो छोटा पैकेट होता है बिरयानी मसाले का उसके अंदर तीन टेबल स्पून आप लोगों ने, ने ना छोड़ देनी है अगर तीन नहीं छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सूसू वाली बिरयानी बनेगी बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली बिरयानी बनेगी ठीक है जी तीन टेबल स्पून मैंने छोड़ दिया अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया बड़े पैकेट में बिरयानी के दो पैकेट होते हैं दो छोटे छोटे ठीक है जी और छोटे में एक छोटा ही होता है वो एक छोटा ही मैंने इस्तेमाल किया पता चल गया ना क्या बोलना चाह रही हूँ अच्छी तरह जी हमने मिक्स कर देना है अब जी हम अदरक और मिर्चों को पीसते हैं फटाफट ये देखा जी फटाफट हमने अदरक और मिर्चें पीसी उसके बाद अब हम अदरक और मिर्ची अपने इसके अंदर डाल देंगे पिसी हुई और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे एप्रिन पहन लीजिएगा वाइट सूट ना पहनिएगा मैंने वाइट सूट पहना हुआ था मेरे पे निशान पड़ गया और ये बहुत पटपुट करता है क्योंकि मेरी ये हांडी का जो है ना मुंह बहुत बड़ा है मेरी तरह <laughs> अच्छा जी अब हम इसको अच्छी तरह हिलाएँगे साइडें साफ़ करते रहेंगे साइडें साफ़ करो ना अम्मियाँ इंप्रेस हो जाती होती हैं हमने अम्मियों को इम्प्रेस कर देने आज बिरयानी बना के ठीक है जी अच्छी तरह हम लोगों ने इसको मिक्स किया मिक्स 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 ठीक है जी मिक्स कर रहे हैं भुनाई होगी इसकी टीवी काका बनाओ कार्टून चलो जाओ भाई टीवी लगा हुआ है जाओ आप कार्टून देख लो यहाँ जी बनाई हो रही है बन जा बन जा बन जा ऑयल छोड़ दिया है हमारे मसाले ने इसका मतलब है ऑलमोस्ट कंप्लीट है ऑयल छोड़ दिया रेडी हो गया 25 मिनट हमने भूनना मसाला अब जी मसाला रेडी हो गया है फटाफट चूल्हा साफ़ करते चूल्हा बहुत गंदा हो गया है चूल्हा साफ़ कर दिया हम लोगों ने अब हम चावल बॉईल करेंगे चावल बॉईल इस तरह करेंगे क्योंकि जितने गिलास चावल होंगे उतने चम्मच हमने नमक डाल देने टी स्पून और चावल बॉयल हो जाने हैं ठीक है, है हाँ जी ये नमक ऐड हो गया एक दो तीन ठीक है तीन गिलास हमारे थे चावल और तीन चम्मच हम लोगों ने नमक डाल देना है ठीक है जी इसके बाद जी हम लेमन ऐड करेंगे हाफ क्योंकि मेरे हमेशा चावल पफा बन जाते हैं खीर बन जाते हैं तो इसलिए मैं लेमन ऐड कर देती होती हूँ ठीक है जी ये जी हाफ़ मैंने लेमन ऐड कर दिया दिल की तसली के लिए हो जाता है लेमन पता नहीं इससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता अच्छा जी अब हम लोगों ने इसको हल्का सा चम्मच से हिला देना है और चावलों को हमने क्या कहते हैं एक कन्नी छोड़ के वो करना है बॉयल करना है ठीक है जी बिल्कुल हमने फुली कुक नहीं कर लेना चावलों को हल्का सा जब कसर रह जाए ना एक चावल उठा के उंगली पे देखो तो तब हम लोगों ने चावलों को ना छोड़ देना है और स्टेन कर लेना पानी निकाल देना है ये ईमान लगी हुई है ईमान जी बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो चलो जी ईमान ने बंद कर दिया फिफ्टी परसेंट मसाला ये है इसके ऊपर चावल डालेंगे फिफ्टी परसेंट ठीक है जी अब जो फिफ्टी परसेंट रह गया होगा चिकन वो डाल देंगे दो लेयर्स लगानी है दो चिकन की दो चावलों की ये जी चिकन की लेयर लग गई दूसरी अब जो दूसरी लेयर चावलों की थी हमने वो चावलों की लेयर लगा देनी है चलो जी चावलों की लेयर छु मंत्र छू लग गई ठीक है जी इसके बाद हमने ज्यादा रंग लेना है उसके अंदर पानी थोड़ा सा डालना है और तीन ये धारे लगा देनी है एक साइड पे इस तरह करके ताकि किसी चावल पे गहरा रंग आए और आधे चावलों पे ज़्यादा गहरा रंग ना आए इससे ना थोड़ी तो प्रोफेशनल सी लुक आती है अब जी देखें ये मैंने आपको लोगों को दिखाने के लिए और अच्छा दिखने के लिए वीडियो में ये डेकोरेशन कर दिया ताकि आप लोग फटाफट रेसिपी को लाइक कर दें <laughs> ठीक है जी अब हम इसको दम देंगे तकरीबन आठ से नौ मिनट आठ से नौ मिनट के बाद हम लोग पाँच मिनट का इंतज़ार करेंगे और फिर इसको हिलाएंगे ये जी हम दम देते हैं ये जी हमारा दम खुलने वाला है हमारा दम खुल गया है चावलों का दम खुल गया है अब जी माशाल्लाह जी आप लोग देख सकते हैं अभी अभी नहीं देख सकते मैं हिलाऊंगी ये देखें जी हसीन चावल अब मैं हिलाऊंगी अब अपना नॉन स्टिक ख़राब करूंगी इस चम्मच के साथ अब मैं आप लोगों को हिला के दिखाती हूँ और डिश आउट करके भी दिखाऊंगी बहुत बहुत चंगी बिरयानी बनी है बहुत चंगी ठीक है ये जी मिक्स करते हैं मिक्स करते हैं और वाकई बहुत अच्छी बनी थी घर वालों ने बहुत तरीफ़ें की थी मेरी बहुत है पता नहीं दिल रखने के लिए की थी या वैसे की थी तो अब आप, आप लोग ट्राई करके मुझे बताएँगे लेकिन बहुत अच्छी बनी थी ये जी डिश डिश आउट हो गया है प्याज की डेकोरेशन और खीरे की डेकोरेशन कर दी है ये देखें जी हसीन लग रहा ना प्यारा लग रहा ना <laughs> बहुत हसीन हाँ जी अब आपने ने सारी रेसिपी देख ली है बहुत इजी बहुत सिंपल हर कोई बना सकते हैं हां जी जनाब आप भी बना सकते हैं अच्छा जी अब आपने ने करना क्या है वक्त शायद रात हो रही होगी आप लोगों ने सुबह किचन में जाना है और बिरयानी बनानी है बिरयानी की पहली चमच लेते सार फटाफट कमेंट कर देना मरियम आपी वाओ ठीक है जी मैं आपके वाओ का इंतजार करूंगी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज अगली वीडियो के साथ आऊंगी